So today we will read about the transformation and the transduction. Conjugation we have already completed in the first lecture. So in this lecture we will complete the transformation and the transduction. So first of all, let's cover the transformation. Transformation, it means the change in their phase. अब वो phase क्या है, क्या change होता है, उस change होने से क्या होता है, वो सब हम discuss करेंगे transformation से. Transformation is not a natural way of a reproduction. Actually, it is a carried out in a lab. इट मीन्स नेचुरली आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, इसको लैब में कराया जाता है, लैब में इंड्यूस किया जाता है. सो दिस इज अ लैब मेथड ऑफ अ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. इट रेयरली अकर इन नेचर. फर्स्ट टाइम इट वॉज स्टडीड बाय द फ्रेडरिक ग्रिफिथ. इनका नाम जरूर याद रखिएगा. फ्रेडरिक ग्रिफिथ से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो एक्सपेरिमेंट था किन साइंटिस्ट ने किया था एंड किसके ऊपर परफॉर्म किया था. तो ही कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट ऑन द डिप्लोकोकस न्यूमोनाई. देखिए जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जब इस एक्सपेरिमेंट को किया था तो डिप्लोकोकस न्यूमोनाई में किया था. बट आफ्टर सम टाइम इस डिप्लोकोकस न्यूमोनाई का नाम चेंज कर दिया गया और बताया गया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, क्योंकि इसके स्ट्रेप्टोकोकाई से कुछ सिमिलरिटी मिलती थी. दैट्स वाई इसको नाम करके रखा गया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई. सो जब फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था उस वक्त नाम डिप्लोकोकस न्यूमोनाई था. बाद में 1978 के आसपास स्ट्रेप्टोकोकस का न्यूमोनाई नाम चेंज किया गया बिकॉज ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी विद द स्ट्रेप्टोकोकाई. सो इन केस अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि लाइक द फ्रेडरिक ग्रिफिथ कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट ऑन द डिप्लोकोकस न्यूमोनाई और एनी अदर ऑर्गेनिज्म, देन यू हैव टू बी सेलेक्ट द डिप्लोकोकस न्यूमोनाई. और अगर आपके पास दो बैक्टीरिया ऑप्शंस में है, वन इज द डिप्लोकोकस न्यूमोनाई ना स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा. बाय द वे ऐसा कोई क्वेश्चन बाउंस कर भी गया, देन योर आंसर विल बी द डिप्लोकोकस न्यूमोनाई. बिकॉज द फ्रेडरिक ग्रिफिथ के ने जब ये कंडक्ट किया और जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट पब्लिश किया, सो एट दैट पेपर द नेम वॉज द डिप्लोकोकस न्यूमोनाई. ओके, डिप्लोकोकस न्यूमोनाइज कॉज द न्यूमोनिया डिजीज इन द माइस. माइस मतलब रैट, चूहे में ये डिजीज प्रोड्यूस करता है न्यूमोनिया डिजीज. इट इज ए लंग इन्फेक्टेड डिजीज होती है और इसकी वजह से माइस की डेथ हो जाती है. सो इन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ए शॉर्ट ऑफ द पीएस डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम द डोनर सेल टू द रिसिपिएंट सेल. आई होप सो ये डोनर और रिसिपिएंट सेल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा. ये देखिए डोनर सेल एंड द रिसिपिएंट सेल, ये आई थिंक आपको इसका मीनिंग समझ में आया होगा कि डोनर सेल इट मींस व्हिच प्रोवाइड देयर शॉर्ट ऑफ द रेप्लिकेटेड डीएनए एंड द रिसिपिएंट सेल व्हिच रिसीव दैट डीएनए. सो डोनर सेल एंड द रिसिपिएंट सेल दोस काइंड ऑफ द सेल्स ओके आर जनरली बेसिक परफॉर्म इन बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें दोनों ही सेल्स दोनों इंपॉर्टेंट होती है. एक सेल डीएनए देती है, वन सेल प्रोवाइड देयर डीएनए एंड अनदर सेल टेक दैट डीएनए. ओके, सो इन द रिसिपिएंट सेल पार्ट ऑफ द डीएनए इनकॉर्पोरेटेड विद द ओरिजिनल डीएनए ऑफ द रिसिपिएंट सेल एंड न्यू हाइब्रिड डीएनए इज अ फॉर्म कॉल्ड द मेरोजाइगोट. आई थिंक ये कॉन्जुगेशन में भी देखा था, वही सेम है. डोनर सेल जब अपना डीएनए प्रोवाइड करता है तो उसको बोलते हैं एक्सोजेनोट. और रिसिपिएंट सेल का जो बेसिकली रिसिपिएंट सेल का जो डीएनए डीएनए ओरिजिनल फॉर्म में जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एंडोजिनोट. सो जब एक्सोजिनोट रिकॉम्बिनेंट होता है एंडोजिनोट के साथ में तो एक जो नया रिकॉम्बिनेंट बनता है उसको बोलते हैं मेरोजाइगोट. सो फर्दर हाइब्रिड डीएनए एक्सप्रेस देयर नेचर एंड फेस ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस. फिर बाद में जब जो डीएनए हाइब्रिड हो जाता है जेनेटिकली रिकॉम्बिनेंट हो जाता है तो अपनी करेक्टरिस्टिक शो करता है एंड वही करेक्टरिस्टिक शो करता है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आता है. अब ये एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किया था इस कंडक्शन से रिलेटेड काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं. जस्ट वेट ओके, इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड काफी बार क्वेश्चंस आए हैं कि डिप्लोमोकोकस न्यूमोनाई के किन स्ट्रेन के ऊपर फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था. सो दे ही वर्क ऑन द टू काइंड ऑफ द स्ट्रेन, वन इज आर सेकंड रफ सेकंड एंड सेकंड वन इज द आर एस थर्ड. ओके, अब ये क्या है आर सेकंड और एस थर्ड वो अभी हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट स्ट्रेन जो आर सेकंड है रफ स्ट्रेन, इट दिस बैक्टीरिया डोंट हैव अ कैप्सूल. कैप्सूल आपको याद हो तो बैक्टीरिया का जो आउटर लेयर होता है दैट इज मेड अप ऑफ द कैप्सूल एंड दैट कैप्सूल जिन बैक्टीरिया में पाया जाता है वो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर द नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया. ओके, स्मूथ थर्ड बेसिकली ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है और अगर कैप्सूल प्रेजेंट होगा तो मैंने आपको शायद बताया भी था कि कैप्सूल जिसमें प्रेजेंट होता है वो डिजीज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं. दैट्स व्हाई दे आर द वायरुलेंट इन द नेचर.
कन्फ्यूजन क्या होता है, आपको लगता है कि सर जब कैप्सूल प्रेजेंट है तो वो स्मूथ है, ठीक है, और जब कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है देन वो रफ स्ट्रेन है। देखिए कैप्सूल का रफ और स्टेन्स, रफ और स्मूथ से कोई रिलेशन नहीं है। कैप्सूल बेसिकली एक आउटर स्ट्रक्चर होती है, बिकॉज अगर कैप्सूल भी हट गया देन सेल वॉल तो उसके अंदर प्रेजेंट है ही, सो उससे कन्फ्यूज मत होइएगा। ओके, सो इट मीन्स ही यूज ऑन द टू स्ट्रेन्स, वन इज द आर सेकेंड एंड द स्मूथ थर्ड स्ट्रेन। अब ये आर सेकेंड एंड स्मूथ थर्ड स्ट्रेन के ऊपर उन्होंने क्या से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अब हम वो देखते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कोई नेचुरली अकरिंग कोई रिप्रोडक्शन नहीं है, ये लैब इंड्यूस्ड एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मैथड है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट हु वॉज अ कंडक्टेड बाय द पैट्रिक ग्रिफिथ। ओके, सो रफ स्ट्रेन सेकेंड, रफ सेकेंड स्ट्रेन, आपको येलो कलर के डॉट्स दिख रहे होंगे, लेट अस कंसिडर एज अ स्ट्रेन्स। मतलब स्ट्रेन्स मतलब क्या होता है, अभी कंफ्यूजन, स्ट्रेन मतलब बैक्टीरिया। ओके, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीसीज की, जो एक पर्टिकुलर कह सकते हो स्पेसिफिक बैक्टीरिया की जो स्पीसीज होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेन। एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की जो स्पीसीज होती है उसे बोलते हैं स्ट्रेन, मतलब उसे मिक्स नहीं होता, या एक बैक्टीरियल कंसोर्शियम का मतलब, एक बैक्टीरियल कंसोर्शियम वर्ड यूज किया जाता है जब माइक्रोबियल मिक्स कल्चर्स में होते हैं, तो यहाँ बैक्टीरिया मिक्स नहीं होते, ओनली द स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्ट्रेन। या आपको जो येलो डॉट दिखाई दे रहे हैं दे आर द बेसिफिकली स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ द आर सेकिन व्हेन दे इंजेक्टेड इन अ माइस। देखिए छोटा सा माइस है, ओके, व्हेन दे इंजेक्टेड इन द माइस, सो माइस बेसिकली कैन सर्वाइव बिकॉज आर सेकिन बैक्टीरिया ये कोई डिजीज प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि लाइक डिप्लोकोकस न्यूमोनाई की भी दो थी, एक डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है एक नहीं कर सकता, तो आर सेकेंड वो था जिसमें डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्लियर, नहीं कर सकता। तो अगर ये माइस में जब इंजेक्ट किया गया तो माइस सर्वाइव कर रहा था। अब ऑन द अनदर साइड स्मूथ थर्ड जो कि डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, अब ये देखिए रेड, ये रेड कलर बेसिकली शो कर रहे हैं दैट स्ट्रेन्स ऑफ दैट स्मूथ थर्ड। ओके, वेन दे वर इंजेक्टेड इन अ माइस, माइस कैन नॉट सर्वाइव, माइस गेट किल। वाई? बिकॉज जो स्मूथ थर्ड था उसमें लाइक ये डिजीज प्रोड्यूस कर सकता, तो वेन इट वॉज इंजेक्टेड इन अ माइस तो माइस की डेथ हो गई। ओके, सो ये एक एक्सपेरिमेंट था नॉर्मली, मतलब ये नॉर्मल, यहाँ पे अभी कोई किसी तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये एक नॉर्मल मेथड है कि जहाँ पे इस तरीके से परफॉर्म की, जनरली होगा कि आप स्मूथ थर्ड डालेंगे तो माइस की डेथ हो जाएगी, आर सेकेंड डालेंगे तो माइस की डेथ नहीं होगी क्योंकि वो हमें डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, अब उनका नेक्स्ट स्टेप था, अब वो कैसे हुआ, इन द नेक्स्ट स्टेप फ्रेडरिक ग्रिफिथ अगेन रीपरफॉर्म देयर टेस्ट, बट इन द नाउ रीपरफॉर्मेशन जो स्मूथ सेकेंड स्ट्रेन से जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया से वो उनको हीट के कॉन्टैक्ट में लेके आए। सो वेन दिस स्ट्रेन्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द हीट, जब वो हीट के कॉन्टैक्ट में आए, हीट के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से उन कुछ स्ट्रेन्स की डेथ हो गई, एंड फिर जब अगेन उनको माइस में इंजेक्ट किया गया, सो नाउ माइस इज कैपेबल टू बी सर्वाइव बिकॉज उसमें जो प्रेजेंट कैप्सूल था उसको खत्म हो गया, कैप्सूल था वो खत्म हो गया। अब जब कैप्सूल खत्म हो गया देन वो सर्वाइव कर पा रहे थे, समझ में आया, स्मूथ सेकंड स्ट्रेन को हीट के कांटेक्ट में लेके आया, हीट में कांटेक्ट में लाने की वजह से उसमें से बहुत सारे स्ट्रेन से जिनकी डेथ हो गई और उसमें से कैप्सूल रिमूव हो गया, तो दैट्स व्हाई जब स्ट्रेन ही नहीं बचा है देन स्ट्रेन्स ही नहीं बचा, देन स्ट्रेन जब नहीं बचा देन व्हाट हैपन, जब स्ट्रेन्स ही नहीं बचा है बेटा और उसमें कैप्सूल ही नहीं रहा है तो उसमें कई सौ डिजीज होने के चांसेस ही नहीं होंगे। ऑन द अनदर साइड उसने एक नेक्स्ट प्रोसेस किया, व्हाट ही डू, रफ सेकेंड स्ट्रेन जो नॉन डिजीज बैक्टीरिया थे उसको हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन के साथ में रिएक्ट किया। सो अब यहां पे ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस था बिकॉज इन, अब नाउ द रफ सेकेंड स्ट्रेन और हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, अब दो स्ट्रेन बन गए, दो स्ट्रेन बन गए। अब उसमें से एक स्ट्रेन होगा डोनर, दूसरा स्ट्रेन होगा रेसिपिएंट। अब कौन सा डोनर था कौन सा रेसिपिएंट था अब वो देखते हैं, लेकिन इन दैट फोर्थ स्टेप, जो फोर्थ स्टेप था ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को शो करता है। उन्होंने क्या किया इस स्टेप में, उन्होंने क्या किया, रफ सेकेंड, अब ये देखिए ये रफ सेकेंड है और ये हीटेड किल स्मूथ स्ट्रेन है, उन दोनों को रिएक्ट कराया, अब मतलब जेनेटिकली रिकॉम्बिनेंट करवा दिया है। अब जेनेटिकली रिकॉम्बिनेंट कराने के बाद में अब ये
नई स्पीसीज बन चुकी है, न्यू स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गए। अब इसमें से कौन सा डोनर था, कौन सा रिसिपेंट, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे। न्यू स्ट्रेन बन गए, अब उन न्यू स्ट्रेन को दोबारा से माइस में इंजेक्ट कराया गया। जब उनको माइस में इंजेक्ट कराया गया, अब माइस माइस की डेथ हो गई। तो अब बताइए, आप खुद बताइए कि उसमें अब इस माइस की जब डेथ हो गई तो कौन सा उसमें से डोनर था और कौन सा रिसिपेंट था। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कौन सा इसमें डोनर होगा और कौन से सेल्स इसमें, कौन सा स्ट्रेन इसमें रिसिपेंट होगा। कुछ समझ में आया एग्जैक्टली क्या हुआ था? जो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन का जो जीनोम था, जैसे ही अगेन रफ सेकेंड स्ट्रेन के कांटेक्ट में आया तो उसने क्या किया, अब उस हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन का जो जीनोम था, अब वो जीनोम जो जीनोम था उसका जीनोम का कुछ पार्ट ट्रांसफर हो गया टू द रफ स्ट्रेन। अब जो जीनोम का कुछ पार्ट रफ सेकेंड की तरफ ट्रांसफर हुआ, इट मीन लाइक रेप्लिकेटो के ट्रांसफर हुआ। तो रेप्लिकेटो के ट्रांसफर होने के बावजूद उस रेप्लिकेटेड डीएनए में कुछ ऐसी जीन्स थी जो जीन्स कैप्सूल बनाने में हेल्प करती थी। सो आर सेकेंड में अब वो जीन्स आ गई हैं जो कैप्सूल बना सकती हैं। तो जैसे ही वो जीन्स उसमें आ गई तो जीन्स ने एक्सप्रेस किया अपने करेक्टरिस्टिक को, एक्सप्रेस किया, अब आर सेकेंड के चारों तरफ भी कैप्सूल बन गया। तो आर सेकेंड भी अब लाइक एक वेरुलेंट या डिजीज कोजिंग स्ट्रेन्स के फॉर्म में काम करने लग गया। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द एस थर्ड टू द आर से रफ सॉरी रफ सेकेंड। पहले स्मूथ थर्ड, लाइक आर सेकेंड बैक्टीरिया जो था, स्ट्रेन जो था वो स्ट्रेन डिजी कोजिंग नहीं था, लेकिन जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसमें कैप्सूल वाले जीन्स आ गए, कैप्सूल बनाने वाले जीन्स आ गए, देन वो कन्वर्टेड हो गया स्मूथ थर्ड की साइड। सो व्हेन द जीन्स ऑफ जीनोम गेट एसोसिएटेड विद द जीनोम ऑफ द आर सेकेंड स्ट्रेन, मतलब द सम द फ्यू जीन्स, ओके, लाइक यू कैन राइट, ओके, इन द फ्यू जीन्स ऑफ द जीनोम वेन इट गेट्स एसोसिएटेड विद द जीनोम ऑफ द आर सेकेंड स्ट्रेन, देन जब आर सेकेंड स्ट्रेन के साथ में जब वो एसोसिएट हो गए, देन द जीनोम एक्सप्रेस अगेन एंड आर सेकेंड स्ट्रेन गेट ट्रांसफर्ड एंड बिहेव लाइक ए स्मूथ थर्ड स्ट्रेन। आई थिंक क्लियर हो गया। बस इतना हुआ कि जो जीन ट्रांसफर हो गए फ्रॉम द हीट किल्ड स्ट्रेन से, जो जीन्स ट्रांसफर हुए स्मूथ आर सेकेंड की तरफ, इट मीन्स उसके कुछ जीन्स में कुछ रेप्लिकेटेड पोर्शन जो ट्रांसफर हुआ टुवर्ड्स अ रफ सेकेंड, उसमें कुछ जीन्स ऐसी थी जो कैप्सूल बनाने में हेल्प करती थी। और तो जैसे ही जीन्स उसमें चली गई, अब एक नया डीएनए बन गया, एक नई जेनेटिकली स्पीसीज बन गई और उसने कैप्सूल बना दिया और वो डिजीज कॉजिंग हो गया। दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें अब डोनर कौन सा हुआ? तो इसमें डोनर हुआ आपका, देखिए अब इसमें डोनर कौन सा होगा, तो बेटा इसमें डोनर हो गया आपका, जो डोनर है वो हो गया आपका, अगर आप कहें तो हीट किल्ड। अब आप इसको एक्चुअली हीट किल्ड लिखना चाहिए, हीट किल्ड स्मूथ थर्ड, और आपका रिसिपेंट हो गया रफ सेकेंड। ये हो गया आपका, एक हो गया डोनर, एक हो गया रिसिपेंट। ठीक है, क्लियर हो गया ये ट्रांसफॉर्मेशन का सारा एक्सपेरिमेंट। गुड। तो इन ए ट्रांसडक्शन प्रोसेस, दिस ट्रांसडक्शन प्रोसेस इज बेसिकली मेडिएटेड, मेडिएटेड मतलब इंड्यूस, मतलब कराने में हेल्प करता है, वायरस के थ्रू किया जाता है, जिसको हम बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं। इट फर्स्ट टाइम स्टडीड बाय द नॉर्टन जिंडर एंड द जोसिया लेडरबर्ग। एग्जैक्टली द वॉट एपन, दिस इज अ वे ऑफ द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। देखिए कॉन्जुगेशन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ये अलग तरीका है, ट्रांसडक्शन को कराना पड़ता है बाय द बैक्टीरियोफेज वायरस। इसमें ये होता है कि होस्ट सेल से जो जीन्स होते हैं दे बिकम एसोसिएटेड विद द दे बिकम एसोसिएटेड विद द फेग। मतलब जैसे क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल ये होस्ट सेल है, ओके, और एक आपकी होस्ट सेल है और एक आपकी एक होस्ट सेल है और एक आपका डोनर सेल है। ठीक है, डोनर सेल से जो डीएनए होता है अब वो ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स द होस्ट सेल, मतलब होस्ट कह सकते हो रिसिपेंट सेल, ओके, ये आपका डोनर सेल है और ये आपका होस्ट सेल है। इनके बीच में जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, मतलब जो जीन्स का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसको एक बैक्टीरिया कराएगा, मतलब सॉरी एक फेक वायरस कराएगा, एक वायरस करवाएगा। वायरस एक तरह का कैरियर होता है जो मतलब डोनर सेल से डीएनए को रिसीव करेगा
और अपने जीनोम के साथ एसोसिएट करेगा और अपने जीनोम के साथ एसोसिएट करके रिसिपिएंट सेल को देगा। तो देखिए इसमें तीन प्रोसेस हो गए। पहला प्रोसेस हुआ एसोसिएशन ऑफ जीनोम ऑफ द होस्ट सेल विद द वायरल जीनोम। मतलब पहले देखिए वायरल जीनोम एक तरह कैरियर का काम कर रहा है, मतलब पोस्टमैन की तरह काम करता है। वहाँ से डोनर सेल से चिट्ठी उठा के रिसिपिएंट सेल की में वो चिट्ठी डाल देता है। लेकिन सबसे पहले वो चिट्ठी, पहले जो चिट्ठी होती है वो फेक के वायरस के जीनोम के साथ एसोसिएट होती है, फिर उसके बाद में वो एसोसिएट होके वो चिट्ठी रिसिपिएंट सेल को दी जाती है। तो मतलब यहाँ पे एसोसिएशन पहले वायरल जीनोम के साथ में होता है, देन वो फिर बाद में वो जीनोम फिर वो देता है रिसिपिएंट सेल को, देन वो रिसिपिएंट सेल के जीनोम के साथ में एसोसिएट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द फेक मेडिटेड प्रोसेस। मतलब इसमें जो फेक होता है वायरस होता है इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। तो दिस काइंड ऑफ द प्रोसेस इज बेसिकली ओनली द मेडिटेड बाय द बैक्टीरियोफेज, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। देखिए सो द नॉर्टन जिंगर एंड दे कंडक्टेड ऑन एक्सपेरिमेंट ऑन ए वन काइंड ऑफ द यूट्यूब काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ये दिख रहा है आपको, ये यूट्यूब स्ट्रक्चर है। इन दिस यूट्यूब ओके ही वर्क ऑन द टू स्ट्रेन्स। सो इन द फर्स्ट आर्म ही फिल्ड विद द फर्स्ट आर्म, ये दिख रहा है आपको फर्स्ट आर्म। इन फर्स्ट आर्म ही पुट द स्ट्रेन ए एंड इन द सेकेंड आर्म ऑफ द यू ट्यूब ओके स्ट्रेन बी। तो इन अ फर्स्ट आर्म ही पुट अ स्ट्रेन ए एंड इन द सेकेंड आर्म ही पुट अ स्ट्रेन बी एंड बिटवीन ऑफ दैट लाइक यूट्यूब के बिटवीन बीच में इन्होंने बैक्टीरिया फ्री ग्लास फिल्टर को प्रोवाइड किया गया। तो देखिए ये एक्चुअली है क्या एक्सपेरिमेंट, इस स्ट्रेन ए और स्ट्रेन बी के बीच में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कराना था। सो इस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को मेडिटेट कराया गया वायरस के थ्रू और बीच में एक बैक्टीरिया फ्री ग्लास लगाया गया। ये बैक्टीरिया फ्री ग्लास का मतलब होता है ये फ्री ग्लास, ये ग्लास बैक्टीरिया के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मतलब इससे बैक्टीरिया कंट्रोल नहीं कर सकता। और अब देखिए अगर कॉन्जुगेशन प्रोसेस होगा या फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के लिए तो सेक्स प्लाई तो बनेगी, मतलब एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी। अब इसके बीच में कोई भी लाइक बैक्टीरिया फ्री आपने कर दिया है, मतलब इससे बैक्टीरिया पास ही नहीं हो सकता, तो ये स्ट्रेन मतलब यहाँ जा नहीं सकता, ये स्ट्रेन भी यहाँ नहीं आ सकता, मतलब दोनों के बीच में दूरियां कर दी गई है। इट मीन्स एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया से किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते, किसी भी तरह की कॉन्जुगेशन ट्यूब नहीं बन सकती। तो ये अरेंजमेंट किया गया था क्योंकि अगर इनकेस अगर आप बैक्टीरिया फ्री ग्लास को हटा दें तो होगा क्या कि स्ट्रेन ए से हो सकता है कॉन्जुगेशन ट्यूब बने और स्ट्रेन बी तक चली जाए, या स्ट्रेन बी से कॉन्जुगेशन ट्यूब बने और स्ट्रेन तक चली जाए, तो वो तो फिर कॉन्जुगेशन हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेन ए से वो यहां चले जाए और वो एक जेनेटिकली रिकॉम्बिनेंट हो जाए स्ट्रेन बी के साथ में। क्लियर? तो इसलिए इस तरह के प्रॉब्लम को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने बीच में पहले ही बैक्टीरिया फ्री ग्लास को लगा दिया। अब एग्जैक्टली क्या होता है कि जो वायरस का जो साइज होता है बैक्टीरिया से 1000 टाइम स्मॉलर होता है, तो इस बैक्टीरिया फ्री ग्लास से केवल दो ही इस टाइप की स्पीसीज निकल सकती है। एक निकल सकता है वायरस या दूसरा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, एक वायरस निकल सकता है या माइकोप्लाज्मा। लेकिन जब उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट देख कंडक्ट हुआ, जब उन्होंने देखा कि ये बेसिकली माइकोप्लाज्मा इंड्यूस्ड नहीं है, ये वायरस इंड्यूस प्रोसेस था, क्योंकि वायरस और माइकोप्लाज्मा दोनों का जो साइज होता है बैक्टीरिया के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। तो इस बैक्टीरिया फ्री ग्लास से सिर्फ दो स्पीसीज पास हो सकती थी, या तो वायरस पास हो सकता है या फिर माइकोप्लाज्मा पास हो सकता है। तो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस उन्होंने ये देखा कि माइकोप्लाज्मा पास नहीं हो रहा, ये वायरस पास हो रहा है। ओके सो ये सब अरेंजमेंट जो किया गया था बैक्टीरिया फ्री ग्लास का, जो अरेंजमेंट किया गया था वो अरेंजमेंट इसलिए ही किया गया था जिससे कि आप बैक्टीरिया के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकें, बैक्टीरिया का किसी तरह का कोई मूवमेंट ना हो। सो दे प्रिपेयर ए यू शेप ट्यूब एंड प्लेस ए बैक्टीरिया फ्री ग्लास फिल्टर इन ए मिड आर्म ऑफ द यू ट्यूब एंड दिस बैक्टीरिया फ्री ग्लास फिल्टर नाइदर कुड अलाउ टू पास ए बैक्टीरिया और नोर कॉन्जुगेशन ट्यूब। सो दिस अरेंजमेंट वॉज मेड ओनली टू स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ अ बैक्टीरिया। मतलब ये जो यूट्यूब बनाया गया था, क्योंकि अब यूट्यूब में क्या है कि कॉन्जुगेशन ट्यूब जो होगी वो प्रॉपर नहीं बन पाएगी, और इवन जब बैक्टीरिया फ्री ग्लास आपने कर दिया तो किसी तरह का बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब जो अरेंजमेंट किया गया था, ये अरेंजमेंट किया गया था जिससे आप बैक्टीरिया की एक्टिविटी को रोक सकें। एट
बट द साइज ऑफ द वायरस इज 1,000 times स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, सो ओनली द वायरल कैन पास थ्रू द ग्लास एंड मेडिटेट द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस. तो एज अ रिजल्टेंट जेनेटिक रिकॉम्बिनेट वॉज ऑब्जर्व मेडिटेड बाय द वायरस. अब वो कैसे हुआ वो हम स्टडी करेंगे. सो एक्चुअली द बैक्टीरियोफेज डीएनए गेट एसोसिएटेड विद द जीनोम ऑफ स्ट्रेन ए, इट इज कॉल्ड द लाइसोजेनी. अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो जानना बहुत जरूरी है. देखिए लाइसोजेनी क्या होता है, जब बैक्टीरिया का डीएनए, मतलब अगर मैं प्रीवियसली आ जाता हूँ एक बार प्रीवियस डायग्राम पे, देखिए जब बैक्टीरिया का डीएनए, मतलब ये स्ट्रेन है मतलब ये बैक्टीरिया है, जब इसका डीएनए फेक के डीएनए के साथ में एसोशिएट होता है, और एसोशिएट होने के बाद में देखिए एसोशिएट होता है मतलब ये है आपका बैक्टीरिया का डीएनए, ये है फेक का डीएनए, और दोनों डीएनए एक दूसरे के एसोशिएट हो जाते हैं, और एसोशिएट होने के बाद में ये बहुत लॉन्ग टाइम तक अपना जीवन एक साथ चलाते हैं. इसे बोलते हैं लाइसोगैमी प्रोसेस. मतलब जैसे ये बैक्टीरिया का डीएनए, ये फेक का डीएनए, दोनों एक दूसरे के साथ एसोशिएट हो गए, और एसोशिएट होने के बावजूद लॉन्ग पीरियड तक अपना ये प्रोसेस कहने का मतलब है, अब बैक्टीरिया का डीएनए जब फेक के डीएनए के साथ में एसोशिएट हुआ, तो फेक का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता. लॉन्ग टाइम तक दोनों भाई 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 की तरह रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक भाई भाई की तरह रहते हैं, दोनों एसोशिएट हो गए, और जब एसोशिएट हो जाते हैं उसे बोलते हैं प्रोफेग. ओके, जब एसोशिएट हो गए उस एसोसिएशन को, मतलब डीएनए एसोसिएशन को बोलते हैं प्रोफेग. और जो साइकिल वो चलाते हैं, साइकिल मतलब जब बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेट होगा तो अलोंग विद वायरस का डीएनए भी रेप्लिकेट होगा, तो ये प्रोसेस सालों साल चलता है, सालों साल ये प्रोसेस चलता है. तो ये जो इस रिप्रोडक्शन के साइकिल को बोलते हैं लाइसोगेमी प्रोसेस, रिप्रोडक्शन. क्लियर हो गया. और जब वो डीएनए एसोशिएट होता है, जो हाइब्रिड डीएनए बनता है उसको बोलते हैं प्रोफेग. एंड बहुत टाइम के बाद में, बहुत लॉन्ग पीरियड निकल गया, एक बहुत लॉन्ग पीरियड निकल गया. लॉन्ग पीरियड के बाद में क्या होता है कि जो वायरस को फील होता है कि शायद उसको अब थोड़ा स्वतंत्र रह के जीना चाहिए, फिर जो वायरस का डीएनए होता है वो बैक्टीरिया के डीएनए से आइसोलेट होता है, मतलब उसकी होस्ट की सेल को तोड़ के बाहर निकलता है एंड दूसरी सेल में जाके एसोशिएट हो जाता है, और वहां पे लाइटिक साइकिल परफॉर्म करता है. लाइटिक साइकिल में क्या होता है, कोई तरह का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, कोई भाई बहन नहीं होता है. ओके, कोई राम और रावण जैसी लड़ाई होती है, ठीक है, मतलब दुश्मनी हो जाती है, शत्रु शत्रु बन जाते हैं. उसमें क्या होता है कि ये डीएनए जैसे कि अब आया, मतलब पहले तो क्या था कि उसने अपनी सर्वाइवल कर लिया, बहुत लॉन्ग ईयर्स के लिए अपना सर्वाइवल कर लिया थ्रू द लाइसोगेमी साइकिल. अब सर्वाइवल के बाद वो दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, लेकिन इसको इन्फेक्ट करने के बाद में क्या करता है, उसके सेल्स के अंदर जाता है, होस्ट सेल के अंदर जाता है, और होस्ट सेल में जाने के बाद में उसके डीएनए को डैमेज करके अपना डीएनए को रेप्लिकेट कराता है, मतलब उसकी प्रोटीन मशीनरी को यूज करके अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है, और अपनी पूरी असेंबली तैयार करके उसकी होस्ट सेल को तोड़ के बाहर निकल जाता है. इसे बोलते हैं लाइटिक साइकिल. सो ये अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अब रीड करेंगे. सो हेयर आर द फ्यू टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू दिस साइकिल, और एग्जैक्टली ये लाइसोगेमी और लाइटिक साइकिल वायरस के एप्लीकेशन में भी हम रीड करते हैं कि कैसे वायरस अपना एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करता है. सो इन द लाइसोगेनी एंड द लाइसोगेनिक साइकिल, इट इज बेसिकली द इंटीग्रेशन ऑफ द बैक्टीरियोफेज जीनोम इनटू द होस्ट बैक्टीरिया कॉल्ड द लाइसोगेमी. लाइसोगेमी में क्या होता है कि बेसिकली बैक्टीरिया का होस्ट सेल और वायरस एक दूसरे का जीनोम एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेट हो जाता है, और इंटीग्रेट होने के बाद में सालों साल अपनी दोस्ती निभाते हैं. ओके, जिसमें वायरस कोई अपनी एक्टिविटी नहीं एक्सप्रेस करता, बस उसको क्या चाहिए होता है, क्योंकि वायरस के पास खुद की प्रोटीन मशीनरी नहीं होती है, ठीक है, ये क्या करता है, बस उसको अपने सर्वाइवल के लिए बैक्टीरिया को साथ रख लेता है कि मुझे कोई तुझसे प्रॉब्लम नहीं है बट मुझे अपने साथ रख, ठीक है, मैं कुछ अब तेरे साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद की रेप्लिकेट होने की या अपनी मशीनरी बनाने के कोई मुझ में पावर नहीं है, मुझ में ऐसी कोई मशीनरी नहीं है, क्योंकि मेरे पास सेल ही नहीं है. ओके, क्योंकि प्रोटीन की चारों तरफ प्रोटीन कवरिंग है. वो बैक्टीरिया के साथ में एसोशिएट होके, तो बैक्टीरिया के साथ में एसोशिएट होता है मतलब एक समझौता कर लेता है उसके साथ में कि मैं तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं करूंगा, इन्फेक्ट कर रहा हूँ बट प्रॉब्लम नहीं करूंगा, पर तेरे साथ अपनी जिंदगी निकालूंगा. तो जैसे जैसे बैक्टीरिया रेप्लिकेट होता है वैसे वैसे वायरस का जीनोम भी रेप्लिकेट होता है, तो सालों साल अपनी दोस्ती निभाते हैं. फिर एक टाइम के बाद में जब वायरस को फील होता है कि अब मुझे काफ़ी टाइम हो गया बैक्टीरिया के साथ में, देन वो बैक्टीरिया को सेल को
डैमेज करके बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे यहाँ वर्ड लिखा हुआ बट रेप्लीकेट विद द बैक्टीरियल जीनोम विदाउट डिस्ट्रॉइंग द होस्ट सेल, मतलब होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करते, जब एक टाइम के बाद में जब बैक्टीरिया का भी टाइम खत्म होने वाला होता है, देन वो बैक्टीरिया सेल को फिर वो डैमेज करते हैं, देन बाहर निकलते हैं लाइक बहुत टाइम के बाद में। इसे बोलते हैं लाइसोगैमी साइकिल। ओके, एंड ऐसे जो फेज होते हैं उससे फेग को हम बोलते हैं ट्रांस सॉरी टेम्परेट फेग। जो ऐसे फेग जो प्रोड्यूस होते हैं इस लाइसोजेनिक साइकिल के थ्रू, ऐसे फेग को बोलते हैं हम टेम्परेट फेग। दूसरा होता है लाइटिक साइकिल। इन अ लाइटिक साइकिल बैक्टीरिया होस्ट, मैंने बताया था ना कि जैसे वो निकल गए, मतलब ऐसे ट्रांसड्यूसिंग फेज जैसे सॉरी टेम्परेट फेग बाहर आ गए, अब वो टेम्परेट फेग क्या करेंगे, दूसरे बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट करेंगे, बट वो आक्रामक हो चुके होते हैं क्योंकि उनका बहुत कुछ मैंने अपनी नई नई प्रोटीन मशीनरी बना चुके होते हैं। सो वो क्या करेंगे, दूसरे बैक्टीरिया के सेल को जाएंगे और उनके होस्ट सेल को डैमेज करके उनकी मशीनरी को यूज करेंगे और दोबारा से अपना रेप्लिकेशन करेंगे और फिर उसके बाद में सेल को बाहर आ जाएंगे, उसके सेल को लाइसिस करके लाइट करके उस सेल से बाहर आ जाएंगे। ऐसे फेज को हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसिंग फेज। व्हेन द फ्यू जीन्स आर कैरिड आउट ड्यूरिंग द ट्रांसडक्शन इट कॉल्ड द स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ध्यान रखिएगा इस ट्रांसडक्शन में जैसे क्या होता है कि जब जब लाइक जो टेम्परेट फेग आ रहा था लाइसोगेनी साइकिल के बाद में जो टेम्परेट फेग आया, अब उस सब टेम्परेट फेग ने दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया। तो जैसे ही दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के बाद में वहां पे लाइटिक साइकिल चलाया और कुछ टाइम के बाद में उसकी होस्ट सेल को डैमेज करके वहां से बाहर आ गए सेल से बाहर आ गए। अब उस फेग को बोलते हैं हम ट्रांसड्यूसिंग फेज। अब वो ट्रांसडक्शन हो चुका होता है। कैसे हो चुका होता है, वो ऐसे हो चुका होता है क्योंकि उस ट्रांसडक्शन के प्रोसेस में वो कभी कभी क्या करते हैं, उस जो दूसरी स्ट्रेन को जो उन्होंने टेम्परेट फेग ने जो दूसरी स्ट्रेन को इम्पैक्ट किया था जब वहां उन्होंने साइकिल चलाया था, उस साइकिल के बाद में कभी कभी वो जो वायरस थे जो मतलब टेम्परेट फेग थे अपना जीनोम एक्सप्रेस कर रहे थे, वो अपना रेप्लीकेट कर रहे थे, तो कभी कभी बैक्टीरिया के जीनोम को भी अपने साथ में लेके आ जाते हैं बाहर। मतलब ये जो दिखाया ना इस प्रोसेस में, इस साइकिल में वो बैक्टीरिया के डीएनए को भी साथ में बाहर लेके आ जाते हैं और जिसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसिंग फेज। मतलब बैक्टीरिया के डीएनए को साथ में बाहर लेके आ गए, ये हुआ। अब यहां पे क्या हुआ, उन्होंने जीनोम के साथ में एसोसिएट कर लिया, एसोसिएशन हो गया। मतलब यहां उन्होंने बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में फेक के डीएनए एसोसिएट कर लिया, अब डीएनए इंटीग्रेटेड हो गया। ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, मैं एक बार आपको डायग्राम सबको समझा दूंगा, अगेन सब सारी कहानी में दोबारा समझाऊंगा। सो फ्यू जीन्स, अगर वो जीन्स कैरिड आउट होती है इस ट्रांसडक्शन प्रोसेस में, उसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। और अगर जीन्स की जगह प्लाज्मिड कैरिड आउट हो जाए, मतलब बाय द वे जैसे होता है ना कभी कभी आपने देखा होगा कभी चोर एटीएम मशीन चोरी करने जाते हैं तो एटीएम मशीन की जगह प्रिंटिंग मशीन लेके आ जाते हैं। तो वही हुआ, वायरस गया सेल के अंदर, लाइटिक साइकिल चलाया और उसने डीएनए के हिस्से की जगह अब प्लाज्मिड लेके बाहर आ गया, तो उसे बोलते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। व्हेन द वायरल जीनोम गेट इंटीग्रेटेड विद द होस्ट जीनोम कॉल्ड ए प्रोफेग। अब देखिए इसमें आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा, दिस इज अ यूट्यूब शेप जो कि उनका एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट था। अब उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, देखिए यूट्यूब शेप है जिसमें यहाँ पे स्ट्रेन ए है, यहाँ पे स्ट्रेन बी है और बीच में ये बैक्टीरिया फ्री ग्लास फिल्टर है, और वो क्यों है हमने बताया था। अब आ गए हैं हमारे बैक्टीरियोफेग स्ट्रेन ए को इन्फेक्ट करने के लिए। अब जैसे बैक्टीरियोफेग स्ट्रेन ए को इन्फेक्ट करेगा, तो स्ट्रेन ए को इन्फेक्ट करने के बावजूद देखिए वो कैसे इन्फेक्ट कर रहा होगा। अब वो बैक्टीरियोफेग का इन्फेक्शन हुआ, अब वो स्ट्रेन ए के साथ में लाइसोजेनिक साइकिल चलाएगा, मतलब इसके साथ में दोस्ती निभाएगा, भाई भाई का रास्ता निभाएगा। लॉन्ग ईयर्स तक बैक्टीरियोफेग का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए लॉन्ग टाइम तक साथ रहेंगे। यहाँ पे अपना बैक्टीरियोफेग कोई अपनी वायरस अपनी एक्टिविटी को एक्सप्रेस नहीं करेगा, दोनों खुशी खुशी लॉन्ग टाइम के साथ में रहेंगे। ओके, एंड प्रोफेग बनेगा क्योंकि जब बैक्टीरिया का डीएनए और प्रोफेग का डीएनए एसोसिएट हो जाता है उसे प्रोफेग बोलते हैं, और फिर बाद में फर्स्ट आर्म में लाइसोजेनिक साइकिल चलता है, मतलब लॉन्ग टाइम तक के लिए वो लाइसोजेनिक साइकिल दिखाएंगे। लाइसोजेनिक अगेन याद रखिएगा, देखिए मैं इसमें समझा देता हूँ। ये आपका है बेसिकली जीनोम जो सेल की बैक्टीरिया सेल के अंदर प्रेजेंट है, वो स्ट्रेन ए है, ये स्ट्रेन ए है, ठीक है, और ये बैक्टीरियल सेल है। अब इसको इन्फेक्ट करने आ गए हैं फेक डीएनए। मैं एक बार आपको लिख देता हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो किसी भी तरह का,
अगर आपको कंफ्यूजन है फिर हमारे पढ़ाने का मतलब नहीं होता। ये देखिए, ये जो है वो है स्ट्रेन ए, ये स्ट्रेन ए है, क्लियर। अब ये स्ट्रेन ए है, मैं इसको बंद कर देता हूं। अब देखिए, अब उसको बैक्टीरियोफेग उसको इन्फेक्ट करने आ गए हैं। अब जब बैक्टीरियोफेग इसको इन्फेक्ट करेंगे तो क्या करते हैं, देखिए ये बैक्टीरियोफेग अपना डीएनए ट्रांसफर करते हैं टुवर्ड्स द बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया को अपना डीएनए ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसफर करने के बाद में होस्ट सेल का डीएनए और वायरल जीनोम एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, जिसको हम प्रोफेग बोलते हैं। अब ये प्रोफेग लाइसोजेनी साइकिल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब एक जो प्रोफेग होता है लाइसोजेनी साइकिल प्रोड्यूस करता है, और लाइसोजेनी साइकिल के बाद में काफी टाइम के बाद में अब वो प्रोफेग सेल्स को ब्रेक करके बाहर आएगा और उसको बोलेंगे टेम्परेट फेग। समझ में आ गया। तो इन बिटवीन ऑफ देन, मतलब प्रोफेग के बनने में और टेम्परेट के फेग के बनने में एक लाइसोजेनी साइकिल चलती है, जो लॉन्ग टाइम तक के लिए चलती है। फिर उसके बाद में जब वायरस को फील होता है कि अब बाहर आना चाहिए, फिर वो बाहर आता है टेम्परेट फेग के फॉर्म में। अब ये टेम्परेट फेग, अब क्या होगा, वो जो टेम्परेट फेग है अब वो सेकेंड आर्म में एंट्री करेगा। अब ये सेकेंड आर्म में, एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ। अब वो जब सेकेंड आर्म में एंट्री करेगा, देन जब वो सेकेंड आर्म में एंट्री करेगा, अब ये देखिए फेग है, ये तो इजीली एंट्री कर सकता है, बैटरी ग्री फ्री ग्लास को फिल्टर कर सकता है। अब वो आएगा स्ट्रेन बी को इन्फेक्ट करने के लिए, और वहां पे चलाएगा लाइटिक साइकिल। अब इस लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि अब इन्फेक्ट करता है, लाइटिक साइकिल चलाता है। देखिए, अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि स्ट्रेन ए के साथ तो उसने लाइसोजेनी चलाया, स्ट्रेन बी के साथ लाइटिक क्यों चला रहा है, देखिए ये जो प्रोफेग का जो फॉर्मेशन है, मतलब कहाँ पे, ये डिपेंड करता है कि वायरस का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए एसोसिएट होगा या नहीं। अगर डीएनए एसोसिएट हो जाता है देन वो लाइसोजेनी साइकिल चलाते हैं, और अगर स्ट्रेन बी का डीएनए मना कर देता है, भाई हम तुमसे एसोसिएट नहीं हो सकते, देन वायरस को फिर लाइटिक साइकिल चलाना पड़ता है। वही है, या तो तुम समझौता कर लो, अदरवाइज फिर मुझे अपनी मशीनरी स्टार्ट करनी होगी। सो देखिए, अब ये स्ट्रेन बी का जो जो टेम्परेट फेग होता है, स्ट्रेन बी को इन्फेक्ट करने आ गया है, अब वो लाइटिक साइकिल चला रहा है। अब लाइटिक साइकिल कैसे चल रही है, देखिए ये जीनोम है, अब इसका ये जो टेम्परेट फेग है, अब ये है स्ट्रेन बी, मैं यहां लिख देता हूं, ये है स्ट्रेन बी, समझ में आ गया, ये स्ट्रेन बी है, ठीक है। अब स्ट्रेन बी में क्या होता है, देखिए ये फेग का डीएनए है, अब स्ट्रेन बी में सेल वॉल को डैमेज करता है, और डैमेज करने के बाद जो फेग होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, और वो एंट्री करता है स्ट्रेन बी के अंदर, और स्ट्रेन बी के अंदर दोबारा से प्रोफेग बनाता है, वायरल डीएनए एसोसिएट हो जाता है बैक्टीरियल डीएनए के अंदर, बट यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी चेंजेस आते हैं। कैसे चेंज आते हैं, अब आपने क्या करता है, जैसे ही वायरस अंदर जाता है अपनी, अब वायरस क्या होता है एग्जैक्टली, अगर आप वायरस का स्ट्रक्चर देखेंगे, एक बार मैं आपको प्रीवियस ले चलता हूँ, इस वायरस के स्ट्रक्चर में ये जो दिख रहा है आपको क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली वायरस कोई सेल नहीं होती है, ये जो वायरस क्या होता है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कड़ी है, मतलब इनका लिंक है, अगर वो शरीर से बाहर है तो नॉन लिविंग है और अंदर आता है तो लिविंग है। इसलिए हमेशा वायरस को किसी भी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए लिविंग की एक होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। बैक्टीरिया भी तो लिविंग होस्ट है, जैसे हम एक लिविंग होस्ट है, बैक्टीरिया भी लिविंग होस्ट है, बस वो जैसे हम में साइकिल चलाता है, यहाँ पे भी वो ऐसे साइकिल चला रहा है। तो ये इसका जो क्रिस्टल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कैप्सिड का बना हुआ है, कैप्सिड मतलब बहुत सारे कैप्सिडोमियर्स होते हैं जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और अंदर इसकी तरफ एक न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों एक साथ कभी प्रेजेंट नहीं होते। तो जब वो बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट करता है, तो इन्फेक्ट करने के बाद में इन्फेक्ट करेगा, तो इन्फेक्ट करने के बाद में वो क्या करेगा, जैसे उसने डीएनए के साथ में एसोसिएट किया अपने आप को, और एसोसिएट करने के बाद में वो एसोसिएट किया, और एसोसिएट करने के बाद में ये अपनी मशीनरी चलाता है, मतलब ये इसके डीएनए को, इसका जो डीएनए होता है, इसका जो न्यूक्लिक एसिड है, इसके जीनोम में जीनोम की एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है और अपनी एक्टिविटी शो करता है, मतलब ये दिख रहा है आपको, एसोसिएट हो गया, अब इसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर दिया और इस अपनी एक्टिविटी चलाता है। तो अपनी एक्टिविटी चलाएगा तो बैक्टीरिया की प्रोटीन मशीनरी को यूज करके अपने कैप्सिड बनाएगा, सब कुछ अपना बनाएगा। तो जैसे ही वायरस, जैसे ही बैक्टीरिया सेल में एंट्री करता है, तो उसमें सिर्फ एंट्री करता है उसका न्यूक्लिक एसिड, उसका पूरा जो ये दिख रहा है आपको,
ये जो टेल है ये कुछ एंट्री नहीं करते, सिर्फ उसमें एंट्री करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसका न्यूक्लिक एसिड। अब जब से न्यूक्लिक एसिड उसके अंदर एंट्री करता है तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए को सबसे पहले इन्फेक्ट करता है, और डीएनए ही सब कुछ होता है, सेल में डीएनए ही सब कुछ है। उसने क्या किया, डीएनए पे इन्फेक्ट करके उसकी प्रोटीन मशीनरी को अपने कब्जे में कर लिया। अब प्रोटीन मशीनरी से नए प्रोटीन बनेंगे, नए प्रोटीन बनेंगे तो नए कैप्सिडोमियर्स बनेंगे। ये देखिए अब उसने क्या किया, वायरस रेप्लिकेट हो रहा है और अपना प्रोटीन सिंथेसिस बनाना स्टार्ट किया। तो एक वायरस था, उसने बैक्टीरिया सेल में पहुंच के तीन वायरस बना लिए, और बनाने के बाद में पूरी एक मैच्योर फेक के अंदर कन्वर्ट हो गया। और जब मैच्योर फेक के अंदर कन्वर्ट हो गया, मैं अगेन आपको रब कर देता हूं, अब वो जैसे मैच्योर फेक के अंदर कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट होने के बावजूद वो क्या करता है, सेल को तोड़ता है और एक मैच्योर फेक बाहर आ जाता है। देखिए मैं आपको अगेन समझाता हूँ, लाइटिक साइकिल में जैसे ही वायरस का डीएनए बैक्टीरियल डीएनए को इन्फेक्ट करता है तो उस एंट्री के टाइम में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड एंट्री करता है, सिर्फ जैसे होता है ना आप सिरिंज को जब आप जैसे क्या होता है, जैसे कि हम जब सिरिंज इंजेक्ट करते हैं तो क्या लिक्विड अंदर जाता है, पूरी सिरिंज थोड़ी अंदर चली जाती है। तो वायरस भी ऐसे होता है, तो वायरस थोड़ी ना पूरा अंदर जाता है, सिर्फ उसका डीएनए अपना छोड़ देता है। अब वो डीएनए सेम हमारी बॉडी में होता है, डीएनए जाके सेल्स की प्रोटीन मशीनरी पे अपना कब्जा कर लेता है, मतलब पूरा हाईजेक कर लेता है पूरी सेल को। और पूरी सेल की मशीनरी को जब हाईजेक कर लिया तो अब वो हाईजेक उसके अब सेल उसके अकॉर्डिंग काम करेगी, उसके लिए प्रोटीन बनाएगी, उसके लिए खाना बनाएगी। और प्रोटीन जो उसका जो एक हेड होता है पूरा प्रोटीन का बना हुआ होता है, तो इसी तरीके से पूरा प्रोटीन का बना हुआ जो फेग है धीरे धीरे अपने आप को मैच्योर करता है और सेल को तोड़ के बाहर आ जाता है। जैसे सेम है ना, लाइक जैसे कि प्लेन को हाईजेक कर लिया और हाईजेक करने के बाद में फिर बाद में उसको ब्लास्ट करके बाहर आ गए। सो अब ये जो बाहर आते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसड्यूसिंग फेज। अब देखिए एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये स्ट्रेन बी को इन्फेक्ट किया और इन्फेक्ट करने के बाद में अब ये ट्रांसड्यूसिंग फेज बाहर आ गए, ठीक है। अब वो दोबारा से फर्स्ट आर्म की तरफ जाते हैं, और जब वो दोबारा से फर्स्ट आर्म की तरफ जाते हैं तो फर्स्ट आर्म की तरफ देखिए मूव कर रहे हैं टेम्परेट, अब ये आपके हैं ट्रांसड्यूसिंग फेज। अब देखिए ये जो ट्रांसड्यूसिंग फेज था, जब जब ट्रांसड्यूसिंग फेज में देखिए जब ट्रांसड्यूसिंग फेज ने जब इसने अपने आप को रेप्लिकेट किया तो रेप्लिकेट के टाइम में बैक्टीरियल जीनोम भी उन्होंने अपने थोड़ा बहुत बैक्टीरियल जीनोम भी ले लिया। रेप्लिकेट कर रहे हैं तो न्यूक्लिक एसिड भी अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, तो वो ये लाइक बेसिकली बैक्टीरियल जीनोम को भी अपने साथ में लेके आ जाते हैं। और जब बैक्टीरियल जीनोम को भी अपने साथ में लेके आते हैं फिर वो जीनोम इंटीग्रेटेड हो गया और वायरस के साथ में, अब वो ही इंटीग्रेटेड जो बेसिकली जीनोम है अब वो इन्फेक्ट करेगा स्ट्रेन ए को। तो क्या करेगा, वायरस के पास अब ये जो ट्रांसड्यूसिंग फेज है इसके पास अपना डीएनए भी है और स्ट्रेन बी का एक डीएनए का एक छोटा सा पार्ट भी इसके पास है। अब ये अपना डीएनए तो इसके पास है ही, अब ये जो दूसरी जो स्ट्रेन बी है, स्ट्रेन बी का जो डीएनए अब वो प्रोवाइड कर देता है स्ट्रेन ए को, ठीक है, क्योंकि ये तो कैरियर का काम कर रहा था। जो स्ट्रेन बी से जो डीएनए लेके आया था वो एप्लीकेशन के टाइम में जो डीएनए इंटीग्रेटेड हो गया था अब वो डीएनए को लेके आया और लेके आने के बाद में उसने दे दिया स्ट्रेन ए को। तो अब स्ट्रेन ए के पास में स्ट्रेन बी का डीएनए आ गया और वो स्ट्रेन ए की जो स्पीसीज है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट हो गई। सो व्हेन द ट्रांसड्यूसिंग फेज इन्फेक्ट द स्ट्रेन ए देन द न्यू डीएनए रिकॉम्बिनेंट फॉर्म। ओके थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था लेकिन आप इसको एक बार रिवाइज करके दोबारा से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए लाइसोजेनिक साइकिल इसलिए चलती है जिससे कि वायरस अपने आप को सेफ रख सके, कुछ टाइम तक अपने आप को सर्वाइवल के लिए चलती है। फिर जब जो लाइटिक साइकिल चलता है तो लाइटिक साइकिल के टाइम में जो वो बैक्टीरियल डीएनए था वायरल डीएनए को के साथ रेप्लीकेट करता है, और आफ्टर द लाइटिक साइकिल वायरस का डीएनए बैक्टीरियल डीएनए को अपने साथ में लेके आता है और वो बैक्टीरिया फ्री फिल्टर से पास होता हुआ दोबारा से स्ट्रेन ए को वो बैक्टीरियल डीएनए दे देता है, जिससे बैक्टीरिया का डीएनए स्ट्रेन ए का डीएनए को कुछ नए डीएनए की स्पीसीज मिल जाती हैं और वो रिकॉम्बिनेंट हो जाता है। सो विद दिस लेक्चर वी ओवर आर द बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन। अब बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन पूरा होने के बाद में अब हम देखिए वैसे तो एक खुशखबरी भी है कि आपका मोनेरा पूरा हो गया, ठीक है। मोनेरा में लाइक दैट वी लाइक सो द बैक्टीरिया के बारे में हैबिटेट देखा, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा, बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा, इवन अल्ट्रा स्ट्रक्चर में बहुत टाइम लग गया, काफ़ी सारे लेक्चर अल्ट्रा स्ट्रक्चर में गए जहाँ पे पिलाई सेक्स पिलाई फ्लैसेला एंड लाइक उसके उसका न्यूक्लॉइड एंड उसका सेल मेम्ब्रेन उसके सेल वॉल कैप्सूल हर स्ट्रक्चर को हमने देखा। फिर
फिर हमने रिप्रोडक्शन देखा, जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फ्यूजन, एंडोस्पोर एंड सिस्ट फॉर्मेशन देखा. सो इट वॉज ऑल अबाउट योर मोनेरा. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम प्रोटिस्टा के बारे में, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट एल्गल जो एल्गीज हैं या एक फंगस जो डायटम्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. सो इट इज़ लाइक द अगेन बायोलॉजी क्लासिफिकेशन इज मूविंग ऑन, अभी भी चल ही रहा है. सो अभी फिलहाल हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, एंड अपना ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और अपने एम को भी हमेशा अपने साथ मेडिटेट करते रहिएगा. नमस्ते.